आप सभी को जोहार रहेगा। जो कि देख सकते हैं भारत आदिवासी पार्टी जो कि राजकुमार रोत राजस्थान का पार्टी है जो कि कुंदर सिंह मुंडा हटिया विधानसभा से लड़ रही है। सबसे पहले जोहार आप लोगों को जोहार। किसके सपोर्ट में आए हैं आप लोग? किसके सपोर्ट में आए? बाप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी के। भारत आदिवासी पार्टी। कुंदर सिंह मुंडा? कुंदर सिंह मुंडा। कहाँ से आए? हटिया विधानसभा से। कुंदर सिंह मुंडा कहाँ से आए दीदी? हटिया विधानसभा। क्या लग रहा है इस बार बाप पार्टी आएगी? क्या बोले? बाप पार्टी जीतेगी इस बार? हम लोग पूरा जोर लगाएंगे कि बाप पार्टी ही जीते। बाप पार्टी? हाँ बाप पार्टी। भरोसा लग रहा है काम करेगा बाप पार्टी? एकदम करेगा। मौका मिलना चाहिए सबको। मौका मिला तो बाप पार्टी को भी एक मौका मिलना ही चाहिए। 70 साल से परेशान है, उसको दूर करने के लिए आ गया बाप पार्टी। राजस्थान का पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी है, क्योंकि हम लोग का 22 साल हो गया, 70 साल हम लोग का अधिकार नहीं मिला है, परेशान है, सब दूर होगा बाप पार्टी आ गया। क्या क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? हम लोग का जितना समस्या है, जल जंगल जमीन माए माटी जमीन सब बचाने के लिए करना चाहते हैं। देखते हैं जल जंगल जमीन के खतरे आदिवासी समाज पहले से ही लड़ते आए हैं। आइए और लोग से हमें बातचीत करने का कोशिश करेंगे। हटिया विधानसभा से जो कि कुंदर सिंह मुंडा के समर्थक में, बाप पार्टी के समर्थक में जो कि महिलाएं आए हुए हैं, तब क्या काम करवाना चाहते हैं इस बार अगर कुंदर सिंह मुंडा जीतती है तो? अगर कुंदर सिंह मुंडा जीतेगा तो क्या काम करवाना चाहिएगा? यहाँ जितना जमीन अतिक्रमण हुआ है ना, हम सबसे पहले उससे छुटकारा पाना चाहेंगे। जो हम लोग का मूल रूप है उसको परिवर्तन किया गया ना, हमको उसको हम बदलवाव करना चाहते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि कुंदर सिंह मुंडा राजनीति पे कदम रखे और कामयाब हो। पैसा कानून योजना नीतु सब चीज का हम लोग काम कराएंगे, क्योंकि हम लोग का बहुत परेशान से है, सब कुछ दूर करेगा। पैसा कानून का लागू होना चाहिए। पैसा कानून नियोजन नीति शिक्षा नीति विस्थापन नीति जितना भी हम लोग का है, जितने हर गाड़ी सरना कोड सब कोड आदिवासी कोड सब जगह लागू करने काम करेंगे। सबसे पहले तो कुंदर सिंह मुंडा बंद करके हम लोग का जितना नहीं हो चुका है उस सब काम को करने काम करेंगे। देख सकते हैं सरना कोड पैसा कानून और आदिवासियों का कई सारे मुद्दा है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से है? एड्रेस बताओ। कहाँ से भैया? हम लोग कांके विधानसभा से हैं। कांके? हटिया विधानसभा का सपोर्ट में। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार देखिए जीतने का तो जो अच्छा काम कर किया है उसी वही जीतेगा। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान का पार्टी है, क्या झारखंड में काम करेगा? काम करेगा, आदिवासी का हित और अधिकार का पार्टी, सामाजिक पार्टी है, सामाजिक कार्यकर्ता का पार्टी है, एक सभी को ले दे के चलने वाला पार्टी है। क्या भरोसा लग रहा है? भरोसा है। क्या नाम हो? मेरा किशुन लिंडा, कांके प्रखंड। आप कहाँ से है जी? कांके से है जी। क्या लग रहा है इस बार भारत आदिवासी पार्टी जो कि राजस्थान का पार्टी है झारखंड में काम करेगा लग रहा है? बिल्कुल करेगा। अभी तो बहुत से आदमी को पार्टी का जो फेसबुक में व्हाट्सएप में देखते हैं उसी को खाली पता है। अभी इसके माध्यम से अभी सभी को आदिवासी को जानकारी हो गया है और आने वाला दिन में सभी आदिवासी एकजुट होंगे और इसका जवाब हर पार्टी को मिलेगा। आपका प्रत्याशी कौन है? कुंदर सिंह मुंडा। अभी किस क्षेत्र से लड़ रही है? हटिया विधानसभा से। हटिया विधानसभा से। आप लोग वोट कीजिएगा। कैसे न करेंगे? देख सकते क्या नाम हुआ? राजू टोपो। कहाँ के प्रखंड? देख सकते जो कि भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान का है, मात्र 4 महीना में 4 MLA और 1 सांसद जो कि राजस्थान से निकल चुके हैं, जो कि आदिवासियों का कई सारे मुद्दा केंद्र में रखते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और भी मैं दिखाते रहूँगा।